हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है और जुलाई का मंथ चल रहा है, तो गार्डनिंग में कुछ ऐसे करने वाले ज़रूरी काम हैं जिन्हें कि हम अगस्त का मंथ शुरू होने से पहले इस जुलाई के महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये काम निपटा लें तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। इससे हमारे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं, गार्डनिंग में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें जुलाई अगस्त के महीने में निपटा लेने चाहिए। तो पहला काम जो है वो है प्रूनिंग का काम। तो आप अपने गार्डन में जो जो प्लांट्स प्रूनिंग वाले हैं, जैसे कि ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। ये काफ़ी बड़ा था प्लांट्स और मैंने इसको प्रून कर दिया है। तो इसमें से यदि फ्लावर स्टार्ट अभी नहीं हुए आना तो उसके पहले पहले ये काम ज़रूरी कर लें, क्योंकि अभी देखिए अब इसमें इस तरह से बर्ड्स आने लगी हैं। तो ये काम आप निपटा लीजिए। यही तरीका आप रोज़ में भी अपनाइए। यदि रोज़ में, मेरे रोज़ में तो मैंने प्रूनिंग कर दी है और लगभग सभी रोज़ में बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कर दी है। तो आपकी यदि अभी बर्ड्स नहीं आई हैं, फ्लावर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप रोज़ में भी प्रूनिंग कर दीजिए। तो पहला काम तो आप प्रूनिंग का निपटा लीजिए, जिससे कि रेनी सीज़न आता है तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ करें, इसलिए उसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। दूसरा काम है, जो भी आपके समर सीज़न के प्लांट्स लगे हुए थे, जैसे कि ये नौरंगा का प्लांट है, तो उनके जो समर में प्लांट होते हैं उनके कुछ सीड्स कलेक्ट कर लीजिए, जो आपको अगले सीज़न में काम में आ जाते हैं। तो ये नौरंगा का प्लांट है, तो इसमें ये आप देखिए ये सीड्स तैयार हो गए हैं, तो मैं इन सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी पहले के प्लांट्स में सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अब ये रेनी सीज़न आ गया है तो ये आप झटपट से कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये फिर फ्लावरिंग बंद कर देगा, क्योंकि ये समर सीज़न वाला प्लांट है। तो आप जो भी प्लांट समर सीज़न के हैं उनके सारों के सीड्स इकट्ठे कर लीजिए। इसके बाद तीसरा काम है, आप सारे सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए जो कि आपको रेनी सीज़न में ग्रो करनी है। ये देखिए मैंने सारी सीडलिंग्स तैयार कर ली हैं, इनमें मैंने सीड्स डाल दिए हैं और ये थोड़े दिन में जर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने सीड्स को ग्रो करने के लिए सॉयल मिक्स में इस मौसम में डाल दीजिए, बारिश आने से पहले वो, जिससे जर्मिनेट हो जाएँ। नहीं तो क्या होता है कि आप एकदम बारिश में यदि सीड्स लगाएंगे तो वो फिर ज़्यादा बारिश की वजह से उसमें ही सड़ जाएंगे मिट्टी में, और फिर प्लांट्स लगना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम भी आप कर लीजिए। आपको जो जो प्लांट्स लगाने हैं, वेजिटेबल्स लगानी हैं, उन सारी प्लांट्स की आप जो सीड्स हैं वो सीड्स लगा लीजिए। इसके साथ ही आप स्टेम कटिंग भी लगा लीजिए, जैसे गुलदाउदी की इस सीज़न में आप स्टेम कटिंग लगा सकते हैं, रोज़ की स्टेम कटिंग लगा सकते हैं, हिबिस्कस की भी आप स्टेम कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम कटिंग आप लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है। अगला काम जो है गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं और जो बेल वाली सब्जियां हैं तो उनकी बेल बढ़ती हैं तो वो नीचे ही गिरी रहती हैं, इसलिए उनको सही तरीके से उनकी आकार में, सही शेप में उनको ऊपर तक बांध दीजिए और सहारा दे दीजिए, जिससे वो अच्छी तरह से बढ़ सकें। ये मेरे करेले की बेल है और देखिए ये इतनी बड़ी हो गई है, तो मैंने इसको ऊपर सहारा दे दिया है, तो ये अब अच्छी तरह से प्रॉपर ग्रोथ करेगी। इसके साथ ही आप गार्डन में प्लांट्स का कचरा जो इकट्ठा हो जाता है या जो कंटेनर में पानी भर जाता है, ये पानी, ये सारा पानी आप बिल्कुल छोटे से छोटे कंटेनर में भी यदि पानी भरा है तो इस पानी को हटा दीजिए, क्योंकि रेनी सीज़न में मच्छर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं। तो इस तरह से आप सारा कचरा गार्डन का साफ़ सफाई करके और बाहर फेंक दीजिए, और उसके बाद आप पानी भी सब जगह से खाली कर दीजिए, जिससे कि आपका गार्डन साफ़ सुथरा रहे और मच्छर आने की संभावना कम हो जाए। यदि आपके यहाँ पर अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है तो आप प्लांट्स में थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी, धूप निकली हो तो दे सकते हैं, तो आप फर्टिलाइज़र भी अभी दे दीजिए। इसके बाद आप प्लांट्स की यदि धूप निकली है और अभी आपके यहाँ बारिश ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है, जो लग के बारिश होती है लगातार 2 दिन 3 दिन, वो नहीं हुई है, तो आप
प्लांट्स की गुड़ाई भी कर दीजिए, जिससे मिट्टी अच्छी हो जाएगी और इसमें एयर पास हो सकेगी, प्लांट्स की रूट्स को अच्छी तरह से हवा मिल जाएगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स थे कुछ गार्डनिंग वर्क जो कि हमें अभी जुलाई के महीने में निपटाने हैं, वो आप निपटा लीजिए। उसके बाद फिर रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लांट्स फिर अपने आप ग्रोथ करते रहेंगे। थैंक यू।